हमें गिवन है सेवन अपॉन एट ऑल्सो हमें पता है थीटा हमारा ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेस है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं अपना थ्योरम से सो so, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सो बेस है जी 7K, मतलब 7K का स्क्वायर प्लस पुलर है एट के मतलब इसका स्क्वायर सेवन सेवन स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटी फोर के का स्क्वायर के स्क्वायर सो so यहाँ पे इसको ऐड करते हैं नाइन टेन थर्टीन हो गया है ये टेन इलेवन सो वन वन थ्री के स्क्वायर अब ये एच स्क्वायर है हमें निकालनी है अंडर रूट में आ जाएगा वन वन थ्री के स्क्वायर अब वन वन थ्री तो किसी का स्क्वायर नहीं होता तो ये तो अंडर रूट में ही रहेगा लेकिन k स्क्वायर k हो जाएगा ठीक है so, सो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गया हमारे पास बेस भी है परपेंडिकुलर भी है अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू हमें पुट करनी है साइन थीटा और कॉस थीटा सो so, साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज़ परपेंडिकुलर क्या है एट के अपॉन हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट में वन वन थ्री के के से के कैंसिल ये हो गया 8 अपॉन अंडर रूट में वन वन थ्री इसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस सो दिस विल बी बेस क्या है सेवन के अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूस है अंडर रूट में वन वन थ्री के सो जी अगेन के से के कैंसिल सो ये आ गया सेवन अपॉन अंडर रूट में वन वन ठीक है जी अब अगर हम अपने जो फर्स्ट पार्ट दे रखे उस पर वापस चलते हैं वी हैव वन प्लस साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन में वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा अब अगर आप यहां ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी याद है आपको हमने आइडेंटिटी करी हुई है अगर आपके पास है ए प्लस बी ए माइनस बी तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है जी सो यहाँ पे देखो ए क्या है ए है वन बी है साइन थीटा ऊपर वाले की बात कर रही हूँ मैं न्यूमिरेटर की सो यहाँ पे अगर ए वन है बी साइन थीटा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्लियर अपॉन में अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो इसमें ए हमारा वन है बी हमारा कॉस थीटा है सो ये हो जाएगा वन मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉस थीटा का स्क्वायर विच विल बी वन का स्क्वायर वन माइनस से लिखते हैं में minus, again, cos square, cos का है, तो ठीक है जी अब हमें सिंपल वैल्यूज पुट करनी है वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली है साइन थीटा है हमारा किधर गया एट अपॉन अंडर रूट वन वन थ्री सो एट अपॉन अंडर रूट वन वन थ्री इस पूरे का स्क्वायर क्योंकि ये साइन थीटा की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा करने है। इसी तरह से वन माइनस अब कॉस की वैल्यू देखो थीटा भी हमने निकाला था थीटा होता है यहाँ पे कि है हमारा सेवन अपॉन अंडर रूट वन वन थ्री तो सेवन अपॉन अंडर रूट में वन वन थ्री इस पूरे का स्क्वायर तो ये आ गया जी वन माइनस एट का स्क्वायर 64. अब अंडर रूट में 113 का करोगे तो वन वन थ्री आ जाएगा अपॉन में वन माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी अपॉन करोगे तो इक्वल टू so अब यहाँ पे देखो इसका एलसीएम लेंगे वन वन थ्री ऊपर हो जाएगा वन वन थ्री माइनस सिक्सटी फोर यहाँ पे डिनोमिनेटर की बात करें अगेन एलसीएम आएगा वन वन थ्री तो ये हो जाएगा वन वन थ्री माइनस 49 अब ये सब ट्रैक कर लेते हैं हमारे पास है 113 इसमें से माइनस करना है 64 माइनस 4 हो जाएगा विच इज नाइन ये बचा 10 10 में से सिक्स गया फोर सो हमारे पास आ गया 49 अपॉन में 113 इसी तरह से आप 113 में से 49 माइनस करोगे तो 64 आएगा 64 अपॉन 113 अब 113 से 113 कैंसिल हो गया सो हमारे पास आ गया 49 अपॉन 60 फोर so, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है ये फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत सिंपल है कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा कितना गिवन है सेवन अपॉन एट हमें सिंपली इसका स्क्वायर करना है सो कॉट थीटा है सेवन अपॉन एट सो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेवन अपॉन का स्क्वायर सेवन सेवन सा